हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लाई हूँ कि ये इस अमेजिंग सीरीज का आगे इसके हर एक एपिसोड्स के लिए आपको वेट नहीं करना होगा, क्योंकि इसके सारे एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं और हमारे चैनल पे इसके सारे एपिसोड्स बैक टू बैक आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, दुए अब ये एक्सेप्ट कर चुका होता है कि भविष्यवाणी उसे जहाँ ले जाएगी वो उसे खुले मन से एक्सेप्ट करेगा। एक सैड एंडिंग के साथ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे हम उस ओल्ड जादूगर को देखते हैं जिसने दुए को बचाने के लिए यहाँ अपना बलिदान दे दिया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि वे सभी अब उस फ्रोजन फॉरेस्ट को पार करने के कगार पे होते हैं। अब उस फ्रोजन फॉरेस्ट के एंट्री पे बहुत सारे गार्ड्स तैनात होते हैं, जिनका काम चेक करना होता है कि फ्रोजन फॉरेस्ट में वही लोग जा सकते हैं जिनके पास एक खास तरह का एग्रीमेंट सर्टिफिकेट हो। अति हमें वहाँ पे इंपीरियल गार्ड्स भी दिखाए जाते हैं जो कि वांटेड हुसैन की तलाश कर रहे होते हैं। आगे गार्ड्स दुए का रास्ता रोकते हैं और यहाँ हुसैन को उसका मास्क हटाने को कहते हैं। इसमें दुए उन्हें वही एंट्री पास दिखाता है जो कि ओल्ड जादूगर ने उसे दिया था, लेकिन वो जो एंट्री पास होता है जब ओल्ड जादूगर यहाँ पे आया था उसी दिन ही एक्सपायर हो चुका था। फिर भी दुए यहाँ पे गार्ड्स को ये कह के चकमा देता है कि भले ही ये पास एक्सपायर हो चुका है, लेकिन इसमें जो सिग्नेचर किए हुए हैं वो रोलन एम्पायर के महान एम्परर के हैं, तो तुम उनका साइन तो नहीं भूल सकते हो। अब जैसे ही उस सिग्नेचर को वो गार्ड्स देखते हैं, वो दुए और बाकियों को वहाँ से सम्मान पूर्वक जाने के लिए देते हैं। ये देखते ही मेडुसा यहाँ दुए से सवाल पूछती है, जो कि हमेशा क्यूरियस होती है कि आखिर ह्यूमन नेचर कैसा होता है। इसमें दुए एक ह्यूमन रिलेटेड से काफी अच्छा जवाब उसे देता है कि भले ही उस एंट्री पास में मेरा नाम नहीं था, लेकिन अगर हम जानबूझ करके किसी के पावर के आगे सरेंडर करते हैं तो ये चीज लोगों को ब्लाइंड कर देती है। जब कोई उन्हें सुपीरियर फील करवाता है तो वो अपनी सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं। बागे यहाँ सभी के मन में बस एक ही सवाल होता है कि अब वे लोग कहाँ जाएंगे, जिसपे दुए उन सभी को उसे फॉलो करने के लिए कहता है। और यहाँ दुए उन्हीं घास के मैदानी इलाकों में जा रहा होता है जहाँ पे पहली बार दुए के फादर यानी रेमंड ने उसकी पोस्टिंग वहाँ पे कर दी थी जानबूझ के। इसपे हुसैन, जो कि अब अपना फेस बदल चुका होता है, उसकी इस बात पे एग्री नहीं करता। यहाँ पे वो दुए से कहता है कि मैंने उस भविष्यवाणी के पूरा होने तक तुम्हें फॉलो किया है और उस टेम्पल ऑफ लाइट से निकलने से पहले मैंने ये शपथ ली थी कि एरेगन रोलैंड के सही कॉज ऑफ डेथ को मैं जान के रहूंगा, आखिर उनकी हत्या कैसे हुई थी। और मैंने यहाँ तुम्हें सही सलामत पहुँचा करके अपनी ड्यूटी को पूरा कर लिया है जो कि मैंने उस ओल्ड मैन से वादा किया था। इस पे दुए से कहता है कि अगर तुम उस एरेगन रोलैंड की डेथ की एक्चुअल वजह जानना चाहते हो तो तुम्हें तो जरूर मुझे फॉलो करना होगा, क्योंकि उसका अगला उत्तराधिकारी तो मैं ही हूँ। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें उसी घास वाले मैदानी इलाके को दिखाया जाता है, जहाँ दुए जैसे ही पहुँचता है उसके हाथ में एक लेटर थमा दिया जाता है, ये कहते हुए कि उस बंजर इलाके में जब से जनरल रेमंड का बेटा यहाँ पे आया है, वहाँ की प्रॉफिट 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और वहाँ पे अब ऐसा कुछ नहीं बचा जिसे दोबारा से सुधारा जाए। इसीलिए दुए को वापस से इंपीरियल कैपिटल की तरफ आना होगा, ताकि उस इंपीरियल कैपिटल में हो रहे एक बहुत बड़े समर फेस्टिवल में वो पार्टिसिपेट कर सके। साथ ही उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि दुए ने उस महान जादूगर का साथ दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, और सभी लोग अब दुए को उसी ओल्ड जादूगर का डायरेक्ट डिसिपल समझ रहे होते हैं। आगे दुए का सर्वेंट उसे बताता है कि ये दुए के लिए काफी बड़े ऑनर की बात है और ये र्यूमर पूरे इंपीरियल कैपिटल में आग की तरह फैल गई है, क्योंकि सभी लोग उस ओल्ड जादूगर जिसका नाम मास्टर गैंडोल्फ होता है उसके डायरेक्ट डिसिपल का वहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ दुए उस लेटर को देख करके पूरी तरह से पजल्ड होता है कि आखिर उसके फादर ने अचानक से उसे इंपीरियल सिटी क्यों बुलाया है। आगे दुए को हम उसी ओल्ड जादूगर यानी गैंडोल्फ के बारे में सोचते हुए देखते हैं। अभी उस ओल्ड जादूगर का डायरेक्ट डिसिपल और कोई नहीं बल्कि विविन ही होती है। यहाँ पे दुए उससे भी मिलने के लिए जाता है ताकि वो उसके मास्टर के बारे में सब कुछ बता सके। आगे हम विविन को देखते हैं जो कि अपने मास्टर की मौत की खबर सुन के काफी ज्यादा सैड होती है। यहाँ दुए उसे सहानुभूति देता है, ये कहते हुए कि वो आगे उसे प्रोटेक्ट करेगा। आगे दुए यहाँ विविन के टीचर यानी उस ओल्ड जादूगर के मरने का जिम्मेदार खुद को मानता है, जिसपे विविन उसे कहती है कि मेरे टीचर ने अगर तुम्हें बचाने के लिए यहाँ अपने आप को बलिदान दिया है तो इसके पीछे जरूर उनकी बहुत बड़ी वजह होगी। अब आगे विविन यहाँ दुए को एक खास तरह का स्पेस क्रिस्टल देती है, कहते हुए कि अभी दुए के अंदर उसकी मैजिकल पावर सफिशिएंट नहीं है और ये उसकी रक्षा करेगा। आगे दुए यहाँ विविन से वादा करता है कि उसने उसके टीचर से जो वादा किया था कि उसके डायरेक्ट डिसिपल का वो ख्याल रखेगा, वो इस प्रॉमिस को जिंदगी भर निभाएगा। और उसके इसी प्रॉमिस के साथ अगला सीन चेंज होता है। अब आगे दुए अपनी इमेजिनेशन में ये सब कुछ याद कर रहा होता है कि उसी समय हम देखते हैं कि इंपीरियल कैपिटल की तरफ जाने वाला रास्ता काफी लंबा होता है। दुए एक जगह आराम करने के लिए वहाँ पे एक सराय में रुकता है। वो सराय का जो ओरन होता है दुए को उस पे शक हो रहा होता है।
यहाँ अपने शक को दूर करने के लिए दुबे उस ओनर से कई सवाल पूछता है, जिसके जवाब में वो ओनर बताता है कि वो पहले मिलिट्री में था और काफी ज्यादा घायल हो जाने के बाद उसे मिलिट्री से निकाल दिया गया, इसीलिए उसने इस होटल को अब ओन कर लिया है और अपने जैसे घायल हुए सारे साथियों को इसी होटल में काम दिया है ताकि वो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके। आगे दुबे को उसकी बनी बनाई कहानी पे यकीन आ जाता है और दुबे उस पे दया दिखाते हुए उसे कई सारे पैसे देता है और इस होटल के सबसे अच्छे कमरे का इंतजाम करने को कहता है। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि एंट्री होती है एक और नए मैजिशियन की और ये मैजिशियन वही क्लार्क होता है जो कि उसी मैजिशियन गिल्ड से आया होता है। दुबे को ढूंढते हुए यहाँ वो दुबे से मिलते हुए उसके सामने एक ऑफर रखता है। आगे मैजिशियन क्लार्क दुबे से कहता है कि हमने सुना है कि मास्टर गैंडोल्फ ने तुम्हें अपने साथ पर्सनली फ्रोजन फॉरेस्ट में ले गए थे कुछ एक्सपीरियंस करवाने। हमारी मैजिशियन गिल्ड उस बंदे में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है जो कि उसी महान जादूगर गैंडोल्फ का डायरेक्ट डिसिपल है और उसी मैजिशियन गिल्ड की तरफ से मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर लाया हूँ कि अगर तुम मेरा डायरेक्ट डिसिपल बनना एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम्हें बैचलर ऑफ मैजिक गिल्ड का बैच दिया जाएगा। ये एक खास तरह की उपाधि है जो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में मात्र 15 लोगों के पास ही है और ये सम्मान तुम्हें देने वाले हमारे उस पूरे मैजिशियन गिल्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने स्पेशली मुझे ऑर्डर दिया है कि ये तुम तक पहुंचा दिया जाए। अब यहाँ दुबे को इस बात पे यकीन आ जाता है कि वाकई में पूरी इंपीरियल सिटी में ये चारों तरफ अफवाह फैल गई है कि दुबे ही उस गैंडोल्फ मास्टर का डायरेक्ट डिसिपल है। यहाँ पे दुबे उसकी इस गलतफहमी को दूर नहीं करता और आगे ये सारा माजरा क्या है ये जानने के लिए वो यहाँ पे चुप्पी साध लेता है। अब आगे दुबे उस बैच को तो ले लेता है और यहाँ सोचने लगता है कि कोई भी चीज इस दुनिया में फ्री की तो नहीं मिलती और ये मैजिशियन गिल्ड आखिर अचानक से उसे अपना डायरेक्ट डिसिपल क्यों बनाना चाहते हैं? जरूर इनके पीछे कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी है जिसे जानने के लिए मुझे उस ओल्ड जादूगर गैंडोल्फ का डायरेक्ट डिसिपल बनने का नाटक करना ही होगा। आगे हम इधर उस मैजिशियन क्लार्क को देखते हैं जो कि दुबे से बातों ही बातों में ये गुलवाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर इस पूरे कॉन्टिनेंट का जो सबसे महान जादूगर था जिसे कोई भी नहीं मार सकता था उसकी अचानक से मौत कैसे हो जाती है, आखिर उस फ्रोजन फॉरेस्ट में ऐसा क्या हुआ था कि उस महान जादूगर को अपनी जान देनी पड़ी। अब दुबे भी यहाँ पे शातिर होता है और वो इसकी ट्रिक को समझ चुका होता है, इसलिए वो उस क्लार्क को ये जवाब देता है, मेरे जो मास्टर थे उन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया और उनकी जब मौत की घड़ी को मैं याद करता हूँ तो मुझे उस पल को याद करने में काफी घबराहट होती है, इसीलिए आगे से आप जब मुझसे मिले तो मेरी मास्टर की मौत कैसी हुई थी ये सवाल दोबारा मत पूछिएगा। अब दुबे के इस जवाब से मैजिशियन क्लार्क अपने मन में ही सोच रहा होता है कि सभी लोग बेकार के ही इस बंदे को मंदबुद्धि कहते हैं क्योंकि ये तो काफी शातिर निकला और मेरी ट्रिक को आसानी से समझ गया, अभी के लिए मैं इसे जाने देता हूँ। रही सच्चाई को अगलवाने की बात तो ये हमारे मैजिशियन गिल्ड के जो चेयरमैन है वो इस बंदे से यानी दुबे से पूरी सच्चाई उगलवा के ही रहेंगे उस इंपीरियल कैपिटल में। अब ये दोनों बंदे ही अपने मन में कुछ और बातें सोच रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे के सामने अलग ही चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। आगे के पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर दुबे को इंपीरियल कैपिटल क्यों बुलाया जा रहा है और आखिर यहाँ पे ये जो मैजिशियन गिल्ड है वो कौन सा षड्यंत्र रचने वाला है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।